गढ़ाटोल में आशा का नाम है सुलेखा देवी। आशा जितना भी प्रसव कराती है तो सभी से 400-500 करके रुपया लेती है। लगभग 40-50 महिला है जो कि ये सब बात कही कि हम लोग से 400-500 करके लिया गया। इस तरह से इंदु देवी को लेट से ले जाने पर बच्चा हुआ लड़की और उसका वहीं पर डेट हो गया, तब पर भी उसको जो है उसकी माँ से 400-500 करके वो ले ली। और फिर जब सरकार की ओर से रुपया मिला तो उसमें से भी 400 रुपया ले ली। लड़की हुआ डेट हुआ है अथी की 6% अथी आसान पैसा मांगने के लिए तैयो न छोड़ता है, पैसा ले लिया है, सब पैसा काटी मारी। जितना भी मिलता है, कितना मिलता है आपको रुपया? 1400 मिलता है, 200 का ऊपर जन्म प्रमाण पत्र बना ले छा और सब पैसा वो परसेंट पास 200 का ले छी। आसान जितने भी प्रसव होते हैं इसके साथ आशा इस तरह का व्यवहार करती है। इसके डर से कितनी महिला हैं जो कि घरे पर प्रसव करवा लेते हैं। गरीब छे तो सोचे छे सरकारी छे, वहाँ जेते सरकारी में तो वहाँ बाल बच्चा होते, पैसा नहीं छे वहाँ बढ़िया से होते सरकारी में तो ले आए छे। तो जब से जाए छे तो बस तखने से हमरे पैसा खर्चा हो छे, सुइया में दवा में जे भी लागे छे तो सब चीज अपने पैसा से आने छे। वो करता करता जब वहाँ सब हो गए घर आबे लागे छे तो तखनी आशा आनाबे 100 टका ले के हो जन्म पत्री बनाबे। आ पैसा जो तत्काले तखनी मिली गेलै तो तखनिये ले लै छै, चेक वही ला लै छै तखनी वहाँ से लेके आबै छियै। रास्ता में गाड़ी रोके सबसे चेक लै और भंजा के सब पेशेंट से 200-200 टका सबसे लै छै। आ क्या चाहते हैं आप? हमरा से चाहे छै कि आशा वो न मिलत, हमरा से पैसा नहीं दिए। आपसे जो जानकारी मिली है आशा के बारे में उसकी हम जांच करवाएंगे और एक सप्ताह के अंदर ही इसका जांच वगैरह करवा लेंगे और उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी उस पर होगी या इसमें जितना सुधार होना होगा हम लोग करवाएंगे। वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करती हूँ कि आप इसके लिए हमारे स्वास्थ्य केंद्र कोढ़ा में प्रभारी का नंबर है 94-31-80-11-33। इस नंबर पर कॉल करके दवा बनाकर हमारी मदद करें। मैं नविता, जिला कटिहार बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।